अटल जी, एसजीपीसी के प्रेसिडेंट गोविंद सिंह लौंगेवाल जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी, पंजाब सरकार के मंत्री, सांसदगण, विधायकगण, यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, साथियों, आज इस पवित्र धरती पर आकर मैं धन्यता का अनुभव कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज देश को करतारपुर साहब कॉरिडोर समर्पित कर रहा हूं। जैसी अनुभूति आप सभी को कार सेवा के समय होती है, अभी इस पल मुझे भी वही भाव अनुभव होता है। मैं आप सभी को, पूरे देश को, दुनिया भर में बसे सिख भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने मुझे कौमी सेवा पुरस्कार भी दिया। ये पुरस्कार, ये सम्मान, ये गौरव हमारी महान संत परंपरा के तेज, त्याग और तपस्या का प्रसाद है। मैं इस पुरस्कार को, इस सम्मान को गुरु नानक देव जी के चरणों में समर्पित करता हूं। आज इस पवित्र भूमि से गुरु नानक साहब के चरणों में, गुरु ग्रंथ साहब के सामने में मैं नम्रतापूर्वक यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे भीतर का सेवा भाव दिनों दिन बढ़ता रहे और उनका आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे। साथियों, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव से पहले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, करतारपुर साहब कॉरिडोर, इसका आरंभ होना हम सभी के लिए दोहरी खुशी लेकर के आया है। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व इस बार देव दीपावली और जगमग होकर के हमें आशीर्वाद देगी। भाइयों और बहनों, इस कॉरिडोर के बनने के बाद अब गुरुद्वारा दरबार साहब के दर्शन आसान हो जाएंगे। मैं पंजाब सरकार का, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इस कॉरिडोर को तय समय में बनाने वाले हर श्रमिक साथी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान इमरान खान नियाजी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर के विषय में भारत की भावनाओं को समझा, सम्मान दिया और उसी भावना के अनुरूप कार्य किया। मैं पाकिस्तान के श्रमिक साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतनी तेजी से अपनी तरफ के कॉरिडोर को पूरा करने में मदद की। साथियों, गुरु नानक देव जी सिर्फ सिख पंथ की, भारत की ही धरोहर नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा पुंज है। गुरु नानक देव
एक गुरु होने के साथ साथ एक विचार है, जीवन का आधार है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारी परवरिश, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे तर्क, हमारे बोल, हमारी वाणी, ये सब गुरु नानक देव जी जैसी पुण्य आत्माओं द्वारा ही गढ़ी गई है। जब गुरु नानक देव यहां सुल्तानपुर लोधी से यात्रा पर निकले थे तो किसे पता था कि वो युग बदलने वाले हैं। उनकी वो उदासियां, वो यात्राएं, संपर्क, संवाद और समन्वय इससे सामाजिक परिवर्तन की बेहतरीन मिसाल है। अपनी यात्राओं का मकसद स्वयं गुरु नानक देव जी ने बताया था, बाबे आखिया नाथ जी सचू चंद्रमा कुड़ु अंधारा, कुड़ु अमावसी बरतिया हम भालण चढ़िया सांसरा। साथियों, वो हमारे देश पर, हमारे समाज पर अन्याय, अधर्म और अत्याचार की जो अमावस्या छाई हुई थी उससे बाहर निकालने के लिए निकल पड़े थे। गुलामी के उस कठिन कालखंड में भारत की चेतना को बचाने के लिए, जगाए रखने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। साथियों, एक तरफ गुरु नानक देव जी ने सामाजिक दर्शन के जरिए समाज को एकता, भाईचारे और सौहार्द का रास्ता दिखाया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने समाज को एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की भेंट दी जो सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसम्मान पर टिकी है। उन्होंने सीख दी कि सच्चाई और ईमानदारी से किए गए विकास से हमेशा तरक्की और समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। उन्होंने सीख दी कि धन तो आता जाता रहेगा पर सच्चे मूल्य हमेशा रहते हैं। उन्होंने सीख दी है कि अगर हम अपने मूल्यों पर अड़िग रहकर काम करते हैं तो समृद्धि स्थायी होती है। भाइयों और बहनों, करतारपुर सिर्फ गुरु नानक देव जी की कर्मभूमि नहीं है, करतारपुर के कण कण में गुरु नानक देव जी का उस पसीने किया महक मिली हुई है, उसकी वायु में उनकी वाणी खुली हुई है। करतारपुर की धरती पर ही हल चलाकर उन्होंने अपने पहले नियम कीरत करो का उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी धरती पर उन्होंने नाम जपो की विधि बताई और यहीं पर अपनी मेहनत से पैदा की गई फसल को मिल बांटकर खाने की रीत भी शुरू की, वंड छको का मंत्र दिया। साथियों, इस पवित्र स्थली के लिए हम जितना भी कुछ कर पाएंगे उतना कम ही रहेगा। ये कॉरिडोर, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हर दिन हजारों श्रद्धालुओं की सेवा करेगा, उन्हें गुरुद्वारा दरबार साहब के करीब ले जाएगा। कहते हैं
शब्द हमेशा ऊर्जा बनकर वातावरण में विद्यमान रहते हैं। करतारपुर से मिली गुरुवाणी की ऊर्जा सिर्फ हमारे सिख भाई बहनों को ही नहीं बल्कि हर भारतवासी को अपना आशीर्वाद देगी। साथियों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि गुरु नानक देव जी के दो बहुत ही करीबी अनुयायी थे, भाई लालो और भाई मर्दाना। इन होनहारों को चुनकर नानक देव जी ने हमें संदेश दिया कि छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता और सबके सब बराबर होते हैं। उन्होंने सिखाया है कि बिना किसी भेदभाव के जब हम सभी मिलकर काम करते हैं तो प्रगति होना पक्का हो जाता है। भाई और बहनों, गुरु नानक जी का दर्शन केवल मानव जाति तक ही सीमित नहीं था। करतारपुर में ही उन्होंने प्रकृति के गुणों का गायन किया था। उन्होंने कहा था, पवणु गुरु पाणी पिता माता धरती महतु, यानी हवा को गुरु मानो, पानी को पिता और धरती को माता के बराबर महत्व दो। आज जब प्रकृति के दोहन की बातें होती हैं, पर्यावरण की बातें होती हैं, प्रदूषण की बातें होती हैं, तो गुरु की ये वाणी ही हमारे आगे के मार्ग का आधार बनती है। साथियों, आप सोचिए, हमारे गुरु कितने दीर्घ दृष्टा थे कि जिस पंजाब में पंजाब पांच नदियां बहती थी, उनमें भरपूर पानी रहता था, तब यानी पानी लबालब भरा हुआ था, तब गुरुदेव ने कहा था और उन्होंने पानी को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था, पहला पानी जियो है, जीत हरिया सब कोय, यानी पानी को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि पानी से ही सारी सृष्टि को जीवन मिलता है। सोचिए, सैकड़ों साल पहले ये दृष्टि, भविष्य पर ये नजर। आज भले हम पानी को प्राथमिकता देना भूल गए, प्रकृति पर्यावरण के प्रति लापरवाह हो गए, लेकिन गुरु की वाणी बार बार यही कह रही है कि वापस लौटो, उन संस्कारों को हमेशा याद रखो जो इस धरती ने हमें दिए हैं, जो हमारे गुरुओं ने हमें दिए हैं। साथियों, बीते पांच सालों से हमारा ये प्रयास रहा है कि भारत को हमारे समृद्ध अतीत ने जो कुछ भी सौंपा है उसको संरक्षित भी किया जाए और पूरी दुनिया तक पहुंचाया भी जाए। बीते एक वर्ष से गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव के समारोह चल रहे, वो इसी सोच का हिस्सा है। इसके तहत पूरी दुनिया में भारत के उच्चायोग और दूतावास विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी, उनकी स्मृति में स्मारक सिक्के और स्टैंप भी जारी किए गए हैं। साथियों, बीते एक साल से देश और विदेश में कीर्तन, कथा, प्रभात फेरी, लंगर जैसे आयोजनों के माध्यम से गुरु नानक देव की सीख का
प्रचार किया जा रहा है।